टाइप फोर हम लोग देखें टू एवेल्युएट इंटीग्रल एफ डैश एक्स बाय कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। यहाँ कैपिटल एफ फंक्शन को डिनोट करता है, इसे हम पढ़ सकते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स, पहले भी बता चुका हूं। तो इसका वर्किंग रूल है वही, स्मॉल एफ एक्स को जेड पुट करते हैं, यह भी पहले ही की तरह है। इसके पहले जो मैं फॉर्म पढ़ाया था उसमें था कैपिटल एफ ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये क्या है स्मॉल एफ डैश एक्स बाय कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स। पहले के टाइप में यह न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में था, इसमें क्या है यह डिनोमिनेटर में, यही फर्क है, दोनों का प्रोसेस एक ही है, हम एफ एक्स को जेड पुट करते। तो प्रॉब्लम वन देखें, एवेल्युएट इंटीग्रल वन प्लस कॉस एक्स बाय थर्ड रूट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, या पढ़िए क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इसको पहले हम लोग बनाए बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लिखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रल वन प्लस कॉस एक्स बाय थर्ड रूट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहां देखिए तो इसका कौन सा फंक्शन है जिसका डीसी आपको इंटीग्रेंड में मल्टीप्लिकेशन में मौजूद दिख रहा है, वो है देखिए ये है, ये नहीं ये है एक्स प्लस साइन एक्स। क्यों मन में ही सोच लीजिए, एक्स का डीसी देखिए वन होता है, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है। तो आप यही पकड़ने की कोशिश कीजिए कि हम किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जेड, तो इसी को करेंगे क्योंकि इसी का डीसी यहां मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है। सो हियर वी पुट एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जेड। थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं समझने के लिए, एग्जामिनेशन में नहीं लिखने की जरूरत है, यहां समझने के लिए। हियर एक्स प्लस साइन एक्स, ये जो है एक्स प्लस साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हुज डीसी इज एक्स का इसके रिस्पेक्ट में वन, साइन एक्स का कॉस एक्स, हुज डीसी इज वन प्लस कॉस एक्स, एंड ये जो डीसी है वन प्लस कॉस एक्स। देख लीजिए मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेंड में मौजूद है, तो लिख दीजिए कि एंड वन प्लस कॉस एक्स इज प्रेजेंट इन द इंटीग्रेंड एज ए फैक्टर जो मैंने समझाया उसको लिख दिया समझने के लिए। यही कारण है कि इस क्वेश्चन में हम x प्लस साइन एक्स को ही जेड पुट करेंगे। तो लिखिए वी पुट x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जेड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो x का डीसी एस के रिस्पेक्ट में वन, साइन एक्स का डीसी एस के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, और डिफरेंशियल लिखने के लिए डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, जेड का डिफरेंशियल डी जेड। अब इसके बाद यहां देखिए हेंस आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखिए यहां इसको हम लिख सकते हैं
इस रूप में वन बाई, क्योंकि ऊपर वन छिपा है, वन बाई थर्ड रूट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल, ऐसा इसलिए लिखा कि देखिए वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स यहां आपको आ गया, जिसके जगह रख देंगे डी जेड, और एक्स प्लस साइन एक्स की जगह जेड रख देंगे। तो थर्ड रूट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स की जगह जेड रखे हैं, और वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह देखिए डी जेड रख दीजिए। इसके बाद देखिए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल वन बाई, इसको लिखेंगे जेड टू दी पावर वन बाई थ्री इंटू डी जेड, ये किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रल वन बाई जेड टू दी पावर एन के फॉर्म में। तो साइड में मैं लिख देता हूं समझने के लिए, जनरल फॉर्मूला आपका ये है इंटीग्रल ऑफ वन बाई जेड की जगह हम वेरिएबल एक्स में याद रखते हैं, वन बाई एक्स टू दी पावर एन, याद कीजिए फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, इसका होता है माइनस वन बाई एक्स का जो पावर एन है उसमें से एक लेस करते हैं तो एन माइनस वन हो गया, इन टू इसी एक्स का पावर एन माइनस वन रख देते हैं, ये मैं बता चुका हूं। तो इसी फॉर्मूले को यहां अप्लाई कीजिए, यहां वेरिएबल एक्स की जगह वेरिएबल केवल जेड है, तो हो गया रिजल्ट माइनस वन बाई पावर में से एक घटाना है, वन बाई थ्री में से वन लेस कीजिए इनटू वही वेरिएबल जेड के ऊपर यही पावर रख देना है वन बाई थ्री माइनस वन, इसका इंटीग्रल यही हुआ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए माइनस वन बाई थ्री एलसीएम लेंगे तो यहां हो गया वन माइनस थ्री इंटू जेड टू दी पावर, यहां भी वही वन माइनस थ्री बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई हो गया माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस टू बाई थ्री इंटू जेड टू दी पावर यही माइनस टू सेम पावर माइनस टू बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू देखिए माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करने प्लस हो जाएगा और थ्री ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा थ्री बाई टू, और यहां देखिए वन बाई जेड टू दी पावर माइनस टू बाई थ्री तो हो जाएगा जेड टू दी पावर प्लस टू बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू थ्री बाई टू, और जेड का वैल्यू दे दीजिए, जेड माने थे आप इसको ना, याद है ना एक्स प्लस साइन एक्स को, तो जेड की जगह रख दीजिए एक्स प्लस साइन एक्स का पावर टू बाई थ्री प्लस ए कॉन्स्टेंट सी आंसर। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जरिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने दिया, स्टेप बाय स्टेप आप समझ गए होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व करेंगे, एवेलुएट दीज इंटीग्रल्स, तो इन सभी इंटीग्रल्स को जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है इसको आप ट्राई करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन को दबाना न भूलेंगे ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का लेक्चर फिनिश हुआ, अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे।